महम अनाज मंडी के गेट पर रोके किसानों के ट्रैक्टर, मंडी प्रशासन ने गेट पर जड़ा ताला। गुस्साए किसानों ने कर दिया रोड जाम, मौके पर पहुंची पुलिस। मंडी प्रशासन की तरफ से पहले कहा गया था कि किसान गेट पास के लिए खुद समय तय करेगा और अपनी फसल को मंडी में लेकर आएगा, आते ही गेट पास मिलेगा। लेकिन आज सुबह किसान फसल लेकर मंडी पहुंचे तो प्रशासन ने मंडी गेट पर ताला लगा दिया। किसानों ने रोड जाम कर दी। किसानों का कहना है कि बिना सूचना दिए मंडी में नियम बदले जाते हैं, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों का कहना है सरकार जानबूझकर किसानों को तंग कर रही है, जबकि मंडी किसानों की है। किसान की फसल निकलते ही किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर आएगा, खरीद करना सरकार का काम है। किसानों के पास मैसेज भेजकर सूचना दी जाती है, लेकिन आज कोई सूचना क्यों नहीं दी? सूचना आढ़ती एसोसिएशन को क्यों, किसानों को क्यों नहीं? इस पर मंडी ने अपने ऊपर टालते हुए कहा कि आढ़तियों व आढ़ती एसोसिएशन को जानकारी दे दी थी। सरकार के दिशा निर्देश कल 2 बजे के बाद सरकार से आदेश प्राप्त हुआ है कि भी जो भी शेड्यूल में जिस भी आड़ती का नाम है मंडी के अंदर वही एंट्री करेगा, क्योंकि मंडी के अंदर उठान नहीं हो रहा, इसे जाम की स्थिति पैदा हो रही है। इसे जाम से मुक्त होने के लिए सरकार ने जो आदेश दिया है 2 दिन के लिए वह इतने इसके उठान हो जाएगा और किसान परेशान ना होंगे। क्या किसानों को इसके बारे में पहले कहा गया था? कल 2 बजे है, उसके बाद मैंने आड़ती एसोसिएशन प्रधान और सभी आड़ती को मैसेज भिजवा दिया था। भाई आप अपने किसानों को ये कहो कि कल वही किसान गेहूँ की फसल लेकर मंडी के अंदर आए जिसके शेड्यूल में नाम है। किसान कहते हैं कि हमें ये सूचना प्राप्त नहीं हुई इसके बारे में, किसी ने बताया मुझे।
तो मैंने तो मंडी एसोसिएशन प्रेसिडेंट को बोल दिया था, जो मैं मंडी का प्रधान है उसको कल ही बोल दिया था। जो ही हमारे पास मैसेज आया सरकार की तरफ से, तो मैंने मंडी प्रधान को बोल दिया था, भाई आप अपने किसानों को ये मैसेज भिजवाओ, भाई कल वही किसान मंडी के अंदर प्रवेश करे जिसका शेड्यूल में नाम है। आप क्या स्थिति है? आप सरकार से मेरी ADC साहब से और SD मैम से बात हुई है, तो उन्हें ये कही है भाई आज जो ये स्थिति जाम की है ना, इसको मद्देनजर रखते हुए आप इनके गेट पास जारी कर दो, कल को ये सूचना दे दो सभी आढ़तियों को, आप अपने किसानों को ये बताए अगर भाई शेड्यूल में नाम है नहीं है तो मंडी के अंदर प्रवेश ना करें। जी आज जो ये ट्रैली रोकी हुई है बाहर गेट के बाहर, क्या कारण है ये, क्यों रोकी गई ट्रैली? ये बगैर सूचना दिए किसानों को, पहले तो ये कही गए बिना मैसेज, जिस दिन क्यों निकले उसी दिन आ जाओ, फिर बिना सूचना दिए एकदम ये कर दिया कि जिसका मैसेज आ रहा है वही आ हुआ। क्या किसानों को इस बारे में सूचना नहीं दी गई? बिल्कुल नहीं दी गई। तो अब क्या? तो ये कि किसानों को दो दिन पहले सूचना देनी चाहिए थी, वो अपने हिसाब से करते, फिर ये तो गलत है ना एकदम करना। तो ये मामला आज ट्रैली क्यों रोकी गई है? कुछ नहीं भाई, पहले तो यूँ था जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहा, कदे लियाओ अपना गेट पास कटाओ और मंडी में अपने गेहूँ डाल जाओ। आज ना तो क्यों सूचना दी गई, ना किसी किसान द्वारा कोई मैसेज गया, और बिला जो 120 किसान हैं जो जिनके पास मैसेज गए हैं उनकी वो होगी। ये भाई 2000 रुपये ट्राली का किराया लग गई, उल्टे करा ले जाएँ तारेंगे, जब फिर मैसेज आओगे और फिर उल्टे आड़ लियाँगे। जब फसल लकड ली मंडी जमींदार की होगी, कानून अधीन नियम वो मंडी कानून आया था जो छोटू राम ने बनाया था, तो मंडी तो जमींदार की है, हमने आड़ भीतर क्यों नहीं गिरण दे रहे भाई? इस तो बुरी सरकार तो देखी नहीं आज दी भाई। अरे यो भी थोड़ा किसान आंदोलन की उसते ही बताऊँ, खोल तो दिया गेट का नहीं जावा भाई, खुलया कि नहीं खुलया देखांगे भाई।